वेलकम टू श्रीजी फूड। मैं हूं मनीषा ठक्कर। आज हम बनाएंगे दशहरा की स्पेशल रेसिपी जिसका नाम है फाफड़ा। फाफड़ा गुजरातियों की मनपसंद रेसिपी है और उसे अगर उसकी कढ़ी, फ्राई की हुई हरी मिर्च और पपीते के सलाद के साथ सर्व करोगे तो उसका टेस्ट और भी अच्छा लगता है। तो चलिए अभी फाफड़ा और कढ़ी किस तरह से बनानी है वो देख लेते हैं। पपीते का सलाद मैंने पहले ही चैनल पे बताया है तो उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, वहां से उसकी रेसिपी देखने को मिलेगी। अभी हम फाफड़ा बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फाफड़ा बनाने की सामग्री देखेंगे। तो एक कप बेसन लिया है, ग्राम में 150 ग्राम है। इसी के साथ हमें चाहिए 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल, जो भी आप रूटीन में यूज करते हो, नमक, काली मिर्च का पाउडर, अजवायन, हींग और फाफड़ा का स्पेशल सोडा आता है जिसे साजी के फूल बोलते हैं। ये किसी भी बड़ी किराना शॉप पे आपको मिल जाएगा। आटा लगाने के लिए नॉर्मल पानी, जो बेसन हमने लिया है उसे छान लेना है। तो एक बर्तन और छन्नी ले लेंगे और जो बेसन लिया है उसे छान कर तैयार कर लेंगे। कई लोग मार्केट से जब बेसन का पैकेट लाते हैं तो उसी टाइम पे छान के उसे बॉटल में भर देते हैं और फिर सोचते हैं कि जब हमने छान के ही भरा है तो दूसरी बार छानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता। बेसन में गुठलियाँ बहुत ही जल्दी से बन जाती है, तो जब भी आप उसमें से कोई रेसिपी बनाए तो उसे छाने और तुरंत ही इस्तेमाल करें तो उसका रिजल्ट बहुत ही बढ़िया मिलेगा। और जो मार्केट में रेडी बेसन मिलता है वही लेना है। घर का पीसा हुआ चने का आटा नहीं चलेगा, उसका खास ध्यान रखें क्योंकि दोनों की क्वालिटी अलग होती है। तो जो बेसन हमने लिया था उसे मैंने अच्छी तरह से छान कर तैयार कर लिया है। इसे मैं इस टाइम पे साइड में रख दूंगी और इसकी आगे की प्रोसेस के लिए मैंने ली है एक कटोरी जिसमें हम 1/2 चम्मच नमक डालेंगे। अगर आप कम नमक खाते हैं तो थोड़ा सा कम कर सकते हैं। अभी जो मैंने मेजरमेंट लिया उससे जो बाहर का फाफड़ा मिलता है सेम वैसा टेस्ट आएगा। थोड़ी सी हींग डालेंगे, 1/2 टीस्पून जितनी। अगर आप नहीं खाते तो स्किप कर सकते हैं। और जो साजी के फूल हमने लिए हैं, फाफड़ा का सोडा वो हमें डालना है, वो भी 1/2 टीस्पून। तो तीनों का मेजरमेंट मैंने सेम रखा है। अब इसमें हम पानी डालेंगे तो नॉर्मल पानी ही डालना है। 2 से 3 चम्मच जितना पानी इसमें डालेंगे और इन तीनों चीजों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। ये जो तीनों चीजें हमने ली है वो अच्छी तरह से इसमें डाइल्यूट हो जानी चाहिए। पापड़ खार, साजी के फूल और जो टाटा का सोडा आता है, तीनों अलग अलग चीजें हैं और तीनों का रिजल्ट अलग अलग हमें मिलता है। तो इसमें आप जो फाफड़ा का सोडा आता है वही इस्तेमाल करें। जो बेसन हमने छाना था उसमें इस तरह से सेंटर में थोड़ी जगह बना ले। जो सोडा वाला मिक्सचर हमने बनाया है वो पूरा इसमें डाल देंगे। इसी के साथ ऑयल भी ऐड कर देंगे। तो 2 चम्मच हमें ऑयल ऐड करना है। नॉर्मल तेल ही लिया है, गरम करने की ज़रूरत नहीं है। पहले इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मेजरमेंट का, टिप्स का आप खास ध्यान रखें तो फाफड़ा एकदम परफेक्ट बनेगा। सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए उसके बाद हम पानी डालेंगे। तो मैं 1/4 कप के मेजरमेंट से अभी पानी ले रही हूँ, लेकिन हम थोड़ा सा ही पानी डालेंगे, 1 से 2 चम्मच जितना। बेसन में जैसे ही पानी डालोगे वो थोड़ा स्टिकी हो जाता है तो इसका आटा लगाने में थोड़ा समय लगता है। बाकी का पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले हमने सोडा वाले मिक्सचर में 2-3 चम्मच पानी डाला था और दूसरा मैंने 2 चम्मच पानी डाला है। इस तरह से आटा लग जाए उसके बाद हम इसमें काली मिर्च का पाउडर और अजवाइन ऐड करके मिक्स करेंगे। आप चाहो तो सिर्फ अजवाइन ही ऐड कर सकते हो। इसका पराठे से भी थोड़ा सॉफ्ट आटा मैंने लगाया है। अब थोड़ा सा ऑयल हाथ में लेके इसे मसल लेंगे। अब जितना आटे को मसलोगे उतना ही फाफड़ा खाने में सॉफ्ट बनेगा और जैसे जैसे इसे मसलते जाओगे आटे का कलर भी लाइट हो जाएगा। तो इस बात का खास ध्यान रखिए, आटे को अच्छी तरह से आप मसलें। 2-3 मिनट और इसे मसलना है। अब इसे 5 मिनट हम साइड में रहने देंगे।
अब हम बनाएंगे कढ़ी, इसकी स्पेशल चटनी। तो 4 चम्मच मैंने बेसन लिया है, इसमें डालेंगे थोड़े से हम नींबू के फूल, जिसे नींबू सत्व भी कहते हैं। 1/8 टीस्पून नींबू के फूल डालने हैं, ये किसी भी किराना शॉप पे मिल जाता है। पानी डालें इसमें और विस्कर या चम्मच की मदद से अच्छी तरह से इसे मिक्स कर ले। आप चाहो तो हैंड ब्लेंडर से भी मिक्स कर सकते हो। इसमें गुठलियां ना रहे उसका खास ध्यान रखना है। तो आप देख सकते हैं अभी इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी है। अब एक बर्तन या कोई कढ़ाई ले ले, उसमें 2 चम्मच जितना ऑयल हमें ऐड करना है। ऑयल जब गर्म हो जाए तब इसमें 1/2 चम्मच राई ऐड करेंगे, सरसों के दाने। अब गैस लो कर दे और इसमें कटी हुई हरी मिर्च, मीठे नीम के पत्ते और थोड़े सूखे धनिए के बीज हमें डालने हैं। थोड़ी हींग डालेंगे, एक बार इसे मिक्स कर लेंगे और जो बेसन का मिक्सचर हमने बनाया है वो इसमें डालेंगे। अब जरूरत अनुसार पानी इसमें डालें। तो इतनी क्वांटिटी में अराउंड 1 से 1.25 कप जितना पानी यूज होता है, लेकिन अगर आपको थोड़ा मिक्सचर गाढ़ा लगता है तो आप थोड़ा पानी और ऐड कर सकते हैं। एक बार इसे चला ले, गैस इस टाइम पे मीडियम रखना है। तो इस तरह की कंसिस्टेंसी रखी है मैंने। थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, इसका कलर थोड़ा लाइट येलो होता है, तो चुटकी भर हल्दी डालनी है। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे अराउंड 1/2 टीस्पून जितना, और 2 से 3 चम्मच जितनी चीनी डालेंगे ताकि जो नींबू के फूल हमने ऐड किए हैं उसका टेस्ट बैलेंस हो जाए। अब इसे मीडियम गैस पे हम बॉईल होने देंगे और पहले हमें कंटिन्यूअस इसे थोड़ी देर चलाना है। जब इस तरह से ये मिक्सचर गर्म हो जाए तब आप इसे थोड़ी थोड़ी देर में चलाओगे तो चलेगा। शुरू में बेसन कई बार नीचे चिपकने लगता है तो उसे कंटिन्यूअस चलाने की जरूरत पड़ती है। हमें कढ़ी को 10 से 12 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे उबालते रहना है। ये कढ़ी ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं और एकदम पतली भी नहीं, उस तरह की होती है। तो आप देख सकते हैं 10 से 12 मिनट के बाद इस तरह का इसका टेक्सचर है। तो मैं गैस बंद कर दूंगी और सर्विंग के टाइम पे फिर से इसे थोड़ा गर्म। अब जो आटा हमने बनाया है उसमें से 1 लोया बनाएंगे, गोल लोया नहीं बनाना, थोड़ा लंबा रखेंगे। और हथेली की मदद से हम फाफड़ा तैयार करेंगे, तो मैं किचन प्लेटफॉर्म पे ही इसे बना देती हूँ। अब कोई शार्प चीज ले ले और उसकी मदद से किचन प्लेटफॉर्म से इसे अलग करना है। तो इस तरह से फाफड़ा बनकर तैयार होगा। मैं दूसरा भी एक बना के आपको दिखाती हूँ। अब इस तरह की कोई शार्प चीज या एकदम शार्प पतली पट्टी वाला चाकू इस्तेमाल करें। मार्केट में जो फाफड़ा बनाते हैं वो लोग लकड़े की चीज पे फाफड़ा बनाते हैं और पतली उसकी एक नाइफ आती है उससे अलग करते हैं। तो आप चाहो तो किचन प्लेटफॉर्म पे या घर में जो लकड़े का चकला होता है उसके ऊपर भी फाफड़ा बना सकते हो, और अगर नहीं आता तो इस तरह से बेल के भी फाफड़ा बना सकते हो। ये वाला मेथड मैंने मेरे पुराने वीडियो में बताया है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। अभी जो फाफड़ा बनाया है उसे फ्राई करते हैं। तो तेल गर्म हो गया है, फाफड़ा इसमें डालेंगे और जितनी आपकी कढ़ाई की साइज हो उस हिसाब से आप फाफड़ा बनाए। मार्केट की जो कढ़ाई होती है वो एकदम बड़ी होती है, तो उसलिए उनका जो फाफड़ा होता है वो एकदम लंबा होता है। घर में हमारे पास छोटी कढ़ाई होती है तो मैंने यही साइज रखी है। इसे मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। इसका कलर ज्यादा डार्क नहीं होता, अगर हाई फ्लेम पे फ्राई करोगे तो कलर भी डार्क हो जाएगा और ये फाफड़ा थोड़ा कच्चा लगेगा। तो मीडियम फ्लेम पे फ्राई करें और 3 से 4 मिनट तक या थोड़ा लाइट येलो कलर आने तक इसे फ्राई करना है। जितना आटे को मसलोगे उतना फाफड़ा खाने में सॉफ्ट बनेगा। तो 3 से 4 मिनट जितना समय हुआ है और ये फाफड़ा अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। इसे मैं निकाल लूंगी और इसी तरह से मैं और थोड़े बना के तैयार कर लूंगी। इसे भी मैं थाली में ले लूंगी। जो पहले फाफड़ा बनाया वो ठंडा हो गया है, तो मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि कैसा बना है। ये ऊपर से क्रिस्पी और खाने में एकदम सॉफ्ट बनता है। कई जगह पे फाफड़ा के ऊपर भी मसाला स्प्रिंकल करते हैं, तो आप चाहो तो इसके ऊपर मसाला भी डाल सकते हो। अब हमारा फाफड़ा सर्विंग के लिए तैयार है। इसे मैंने कढ़ी, फ्राई की हुई हरी मिर्च और पपीते के सलाद के साथ सर्व किया है।
पपीते का सलाद किस तरह से बनाना है वो पहले ही चैनल पे बताया है, और इसके साथ आप गर्मा गर्म जलेबी सर्व करें तो इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। और जलेबी की रेसिपी की लिंक भी मैंने नीचे दी हुई है, तो एक बार इस तरह से जलेबी बनाकर जरूर ट्राई करें। अब जो आटा हमने बनाया है उसमें से एक लोया बनाएंगे। अब ये फाफड़ा सर्विंग के लिए तैयार है। मैंने इसे कढ़ी, फ्राई की हुई हरी मिर्च और पपीते के सलाद के साथ सर्व किया है। फाफड़े को हमेशा जलेबी के साथ सर्व किया जाता है, और जलेबी किस तरह से बनानी है और पपीते का सलाद किस तरह से बनाना है उसकी रेसिपी पहले ही चैनल पे बताई है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो वहां से उसकी रेसिपी भी देखने को मिल जाएगी। तो इस दशहरा पे इस तरह से फाफड़ा बनाकर जरूर ट्राई करें। उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी।